हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपके अपने एपीएन साइंस अठूमर के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो बच्चों लास्ट हमने बायो सावर्ट नियम का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ा था। देखो, हम एक तार वाला पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक हम कुंडली के केंद्र पे पढ़ चुके हैं, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो आज हम तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक क्वेश्चन तो मान के चलो, एक क्वेश्चन तो 100% आपको यह मिलता है, बड़ा क्वेश्चन कि बायो सावर्ट का नियम लिखिए और कोई भी एक अनुप्रयोग, वो तार वाला पूछ लें, कुंडली वाला पूछ लें। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? धारावाही वृत्ताकार कुंडली पहले हमने सेंटर पे निकाला था, केंद्र पे निकाला था, तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के आज हम निकालेंगे अक्ष पर। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, क्लियर है? एक्सिस पे निकालना है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, जब अपन जड़त्व आघूर्ण की बात हम करते थे तो वहां हमने अक्ष को भी समझा है। अक्ष हमेशा होता है लंबवत। अक्ष क्या होता है कि द्रव्यमान केंद्र से तो गुजरने वाली रेखा है ये। अक्ष क्या होता है? कोई भी वस्तु आपके पास है, कोई भी आकृति आपके पास है, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली एवं तल के लंबवत, तल के कैसी होनी चाहिए? लंबवत रेखा होती है एक तरीके से। अक्ष का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास से तो गुजरे, द्रव्यमान केंद्र से गुजरे और तल के कैसी हो? लंबवत हो। तो अगर मान लो मैं कुंडली को ऐसे मानूंगा तो ये इसका मध्य वाला जो पॉइंट है ये अक्ष हो जाएगा। तो ये मैंने मान लिया कुंडली तल में स्थित है तो तल के लंबवत ये होगा। अगर मैं कुंडली को ऐसे मान लूं, इस तरह कुंडली को मैं मान लूं, तो ये तल हो गया, तो तल के लंबवत ऐसे होगा, ठीक है। तो देखो सुविधा के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कुंडली मान रहा हूं जो तल के लंबवत है, ये वृत्ताकार कुंडली है जो कैसी है बच्चों? तल के लंबवत, ठीक है। यानी वैसे समझ सकते हैं कि ये तो हमारी हो गई तल में, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली। अब इसको हमने ऐसे मान लिया, ये कुंडली अब ऐसे है, ठीक है, तो ये तल के लंबवत है तो इसका अक्ष ये वाला हो जाएगा। ओके, देखो ये इसका सपोज करो सेंटर हो गया, तो ये जो रेखा होगी ये वाला पॉइंट, इसको मैं मान लू पी पॉइंट, तो ये कुंडली हमारे पास है। इस कुंडली के कारण हमें यहां क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो सपोज करो इसमें हम करंट भी मानेंगे, हमने एक करंट मान लिया इसमें आई, ठीक है। तो ये जो कुंडली है इसकी जो रेडियस है, समझ रहे हो, इसकी त्रिज्या मैं मान रहा हूं स्मॉल ए, तो ये भी स्मॉल ए हो जाएगा। ओके, अब इस कुंडली के कारण मुझे क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इस कुंडली के कारण जो तल के लंबवत है इसके अक्ष पर, ये अक्ष होगा इसका, सपोज करो ये पॉइंट है ओ, तो ओपी रेखा क्या हो गया? इसका अक्ष हो गया। तो मुझे अक्ष पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अक्ष पे क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। अब वही पहले वाली बात कि इस कुंडली का अपन अल्पांश मान सकते हैं, सभी अल्पांशों के कारण क्या होगा? बिंदु P पर क्षेत्र होगा। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमेशा R क्रॉस dl के क्या होता है? लंबवत होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है बायो सावर्ट नियम में, R क्रॉस dl के हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है, ठीक है। तो dl तो होती है अल्पांश की लंबाई और R होती है अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु के मध्य दूरी।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए एक अल्पांश ये मान रहा हूं, एक छोटा सा अल्पांश AB, इसको अपन एक सरल रेखा के रूप में मान सकते हैं। ये जो AB है इसकी लंबाई है DL, ये अल्पांश जो मैंने माना है इसकी लेंथ कितनी है DL, ठीक है, और ये मान लो इसका मध्य बिंदु हो गया C पॉइंट। तो अब इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र होगा, तो हम क्या क्या कर रहे हैं, कुंडली को अब हम दो भागों में बांटेंगे, सेंटर से ऊपर की ओर और सेंटर से नीचे की ओर। अब सेंटर से जो ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है वो सब समान दिशा में होगा, और सेंटर से नीचे वाला जो क्षेत्र है, सेंटर से नीचे वाले जो भी पॉइंट है उनके कारण क्षेत्र होगा वो समान दिशा में होगा। तो हम क्या करेंगे, एक अल्पांश मैंने ऐसे माना, ठीक है, ये डीएल लंबाई है, और ये जो अब देखो ये अब ये बस समझना कुछ थीटा बनेगा, तो ये जो है वो तल के लंबवत है, तो ये जो हमारे पास पॉइंट बनेगा देखो ये डायरेक्शन ये वाली ये 90 डिग्री होगा हमेशा, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र डीबी, ये डीबी जो क्षेत्र है ये बी पॉइंट है, डीबी क्षेत्र है इस अल्पांश के कारण, इस एबी अल्पांश के कारण दूरी आप क्या मानते हो स्मॉल आर, तो भाई आर और डीएल के हमेशा क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, आर और डीएल के कैसा होना चाहिए बच्चों, लंबवत। अब देखो ये कुछ इस तरह है कि ये हमने इस तरह कुंडली मानी है, तो अपन दूरी को ऐसे ले रहे हैं, ये कुंडली हमारी इस तरह है, अब ये हमारी जो कुंडली है अगर आप इस तरह डायरेक्शन में समझें, देखो इस तरह, देखो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये क्या हो गया जेड, तो आप देखोगे हमारी जो कुंडली है वो वाई जेड तल में स्थित है, ये हो गया देखो वाई अक्ष, ये हो गया जेड अक्ष, कुंडली कैसी है, कुंडली हमारी वाई जेड तल में है, और पॉइंट कहां पर है, पॉइंट एक्स में, कुंडली हमारी वाई जेड तल, इस बात को ध्यान दें कुंडली कौन से तल में, वाई जेड तल में, वाई जेड कुंडली वाई जेड तल में है, और पॉइंट कहां पर है आपका, एक्स में है, तो भाई वाई जेड तल से आप एक्स पर कोई रेखा बनाओगे वो लंबवती तो होगी, क्योंकि एक्स तो वाई जेड तल के क्या होगा, लंबवत होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल बनेगा ये वाला ये 90 डिग्री बनेगा, क्या बनेगा 90 डिग्री, इसमें शो नहीं होता, ये तो ऐसा त्रिभुज सा लगता है, लेकिन यहां जो थीटा की बात होती है आर और डीएल के बीच जो एंगल होगा, आर परपेंडिकुलर किसके होगा, डीएल के, ठीक है ओके, और ये चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण डीबी हो गया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लंबवत होता है, आर क्रॉस डीएल के कैसा होता है, लंबवत। तो बिल्कुल अब यहां जो भी अल्पांश मानोगे सबके कारण इसी दिशा में क्षेत्र होगा, तो बिल्कुल इसके सममित एक अल्पांश और मैं मान रहा हूं ए डैश बी डैश, इसका मध्य बिंदु, इसकी देखो लंबाई डीएल ही होगी, मध्य बिंदु क्या मान लिया सी डैश, तो इसके कारण भी क्षेत्र होगा, तो वो भी इसे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा डीबी, तो ये भी एंगल क्या होगा बच्चों 90 डिग्री। बस यही बात समझने की है कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा आर और डीएल के लंबवत होता है, तो डीएल ये आर, आर के कैसा हो गया बच्चों, लंबवत हो गया, ठीक है ओके। अब आप कुछ मानिए इसमें, तो ये दूरी आर है, ये दूरी आर है, त्रिज्या ए है, सपोज करो ओ से लेकर पी तक की दूरी क्या है एक्स, ठीक है ओके, और सपोज करो मैं एंगल क्या मान रहा हूं, ये अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है, सममित है मध्य बिंदु से। अब देखो बच्चों ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो अब हमें इस चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी मान निकालने के लिए आपको घटक बनाने पड़ेंगे, क्या बनाने पड़ेंगे घटक, तो मैं क्या कर रहा हूं इस डीबी को ओपी के समांतर और ओपी के लंबवत, घटकों में क्या कर रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं, ये पॉइंट पी है इसको ध्यान रखें, देखिए डीबी को ओपी के समांतर और ओपी के लंबवत, ये पी पॉइंट है मेरे पास, पी पॉइंट
ओपी के समांतर ओपी के लंबवत हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अब एक बात देखिए आप, ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना बचा, आपको पता है पूरा 180 है। अब यहां से लेकर यहां तक ये वाला एंगल देखो, ये वाला, ये कितना हो गया भैया, तो अल्फा हो गया, ये 90 हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, 90 प्लस अल्फा, तो भाई पूरा 180 है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस अल्फा होगा, क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। ऐसे ही ये 90 है, तो ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगा, 90 प्लस अल्फा, समझ गए भाई, ये तो 90 है, देखो ये 90 है, ये अल्फा 90 प्लस अल्फा, तो ये क्या बचेगा, 90 माइनस अल्फा, ये आपको घटक बना रहे हैं ना, ठीक है। तो देखिए अब डीबी का ओपी की दिशा में घटक क्या होगा, आप कहोगे सर डीबी कॉस अल्फा, लेकिन यहां अल्फा नहीं है, कितना है, 90 माइनस अल्फा, तो डीबी कॉस 90 माइनस अल्फा, ठीक है, डीबी कॉस 90 माइनस अल्फा। और आपको पता ही है, देखो ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना बचा, अल्फा, यहां से लेकर यहां तक पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये इतना सा कितना बचेगा, अल्फा बचेगा, तो डीबी का अल्फा की दिशा में घटक क्या हो जाएगा, डीबी कॉस अल्फा, तो क्या साइन आ जाएगा, समझ रहे हो, अगर आपको साइन लेना है तो आपको लेना पड़ेगा 90 माइनस अल्फा, यानी ये हमारा एक तरीके से यही है कि डीबी साइन 90 माइनस अल्फा, वो किसके बराबर आएगा, डीबी कॉस अल्फा के, ठीक है। इसमें आपको ये घटक समझने पड़ेंगे कि db का op की दिशा में कितना एंगल बन रहा है, 90 माइनस अल्फा, तो db cos 90 माइनस अल्फा, तो ये वास्तव में क्या बचा, db sin अल्फा, ठीक है, तो db sin अल्फा और db cos अल्फा। ऐसे ही इस वाले db का, ये db cos अल्फा और इस दिशा में db sin अल्फा, लो भाई ये हमारा एंगल बन गया पूरा और ये डायग्राम बन गया, ठीक है। तो इस पूरी कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, आपको बिल्कुल पता लग रहा है कि दो जो अल्पांश हमने लिए हैं डीबी और ये वाला डीबी, दोनों अल्पांशों के कारण जो इनके कुंडली के तो समांतर और अक्ष के कैसा लंबवत, यानी डीबी कॉस अल्फा, डीबी कॉस अल्फा, इसका डीबी कॉस अल्फा ये रहा और इस वाले डीबी का डीबी कॉस अल्फा ये रहा। तो बच्चों ये दोनों जो मान है वो समान है और दिशा कैसी है, विपरीत, तो ये जितना चुंबकीय क्षेत्र ऊपर उतना चुंबकीय क्षेत्र नीचे, यानी परिणामी क्या होगा, जीरो, यानी सारा का सारा जो क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा, ओपी दिशा में होगा, क्योंकि तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र, दोनों अल्पांशों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का कुंडली के तल के लंबवत या अक्ष के समांतर ओपी दिशा में जो घटक है टीबी साइन अल्फा, इसके कारण भी डीबी साइन अल्फा, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमारा परिणामी क्षेत्र होगा वो क्या होगा, डीबी साइन अल्फा, क्या होगा बच्चों, डीबी साइन अल्फा, ठीक है। तो चलो पहला डीबी का मान निकालेंगे, तो बायो सावर्त नियम से बायो सावर्त नियम से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। लेकिन हमें पता है थीटा है 90, क्योंकि थीटा होता है आर और डी एल के बीच में कोण, तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी साइन थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, साइन 90। कारण क्या है, क्योंकि आर परपेंडिकुलर है डीएल के, तो थीटा क्या हो गया, 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये आ गया अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, समझ गए ना। दोबारा देख लो, ये अल्पांश है डीएल लंबाई का, ये भी डीएल लंबाई का है,
इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ये है डीवी। ऐसे नहीं होता, चुंबकीय क्षेत्र आर की दिशा में थोड़ा होगा, ये आर की दिशा है तो आर के लंबवत होना चाहिए। तो ये और ये यानी ये सीपी और इसे मान लो मैं पी क्यू, ये मान लो पी आर, तो पी क्यू दिशा में, तो सीपी और पी क्यू 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है और ये अल्फा मैंने माना हुआ है तो 90 माइनस अल्फा हो गया। तो 11th क्लास में हमारे घटक आप जानते हो कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोई सदिश है आर, ठीक है, तो ये थीटा है, तो आर का थीटा की दिशा में घटक क्या होता है, आर कोस थीटा, और थीटा के दूसरी तरफ यानी इस आर कोस थीटा के लंबवत आर साइन थीटा होता है। तो जहां एंगल होता है वहां कोस लगाते हैं, आपको मालूम है जहां थीटा बनता है वहां क्या लगाते हैं, कोस। तो यहां 90 माइनस अल्फा बन रहा था तो डीबी कोस 90 माइनस अल्फा वो हो गया साइन अल्फा। तो यहां अल्फा बन रहा था क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 90 है, ये 90 माइनस अल्फा, तो कितना बचा, अल्फा ही तो बचा, तो डीबी कोस अल्फा यानी डीबी साइन 90 माइनस अल्फा। ओके, अब हमारा परिणामी क्षेत्र आपको निकालना है तो क्या करेंगे, देखो आपको पता है चित्र से जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डीबी साइन अल्फा प्लस डीबी साइन अल्फा, लेकिन ये तो दो ही अल्पांश थे, पूरी कुंडली के कारण बहुत सारे अल्पांश होंगे तो हम इसे क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो ये तो चित्र में ही है, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बच्चों, B इज इक्वल टू समाकलन dB साइन अल्फा, ये होना चाहिए B इज इक्वल टू समाकलन dB साइन अल्फा, ठीक है, क्योंकि यही घटक समान दिशा में है तो जुड़ेंगे। तो अभी तो हमने दो अल्पांश माने थे तो दोनों के कारण dB साइन अल्फा प्लस dB साइन अल्फा, लेकिन दोनों अल्पांशों में कुंडली कवर हो रही है क्या, तो ऐसे बहुत सारे अल्पांश आप मान सकते हो, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो चित्र आपने पूरा देख लिया है क्योंकि मैं चित्र को यहां से हटाने वाला हूं, ठीक है। तो चलो वैल्यू रखते हैं यहां पे हम कि b इज इक्वल टू db की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर साइन अल्फा, ठीक है। ओके, अब देखिए तो बच्चों इसे सॉल्व करें, b इज इक्वल टू देखो म्यू नोट आई, तो पहले आप एक बात देख लें कि जो डायग्राम में हमने देखा था इस तरह जो एंगल बन रहा था ये तो अल्फा था, ये a थी कुंडली की त्रिज्या, ये x मैंने माना है, ये r है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो बच्चों बताओ यहां से साइन अल्फा क्या होगा, अगर आप साइन अल्फा की बात करोगे, देखो चित्र से ये पॉइंट था O, ये पॉइंट था P और ये पॉइंट था C, ठीक है। तो चित्र में समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, POC, चित्र में समकोण त्रिभुज POC में बताओ साइन अल्फा क्या होगा, साइन होता है लंब बटा कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये बच्चों ये वाली भुजा होगी लंब, 90 के सामने वाला कर्ण, तो साइन अल्फा क्या हो गया, ए अपॉन आर। तो हम साइन अल्फा की वैल्यू उसमें रखेंगे, देखो इसलिए बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन आर, ठीक है। ओके, तो देखो बच्चों b इज ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, b इज इक्वल टू देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, निर्वात की चुंबकशीलता, आई धारा कांस्टेंट है, a कुंडली की त्रिज्या कांस्टेंट है, और नीचे आएगा 4 पाई आर क्यूब, ये भी कांस्टेंट है, यानी समाकलन में केवल क्या बचेगा, dl, ठीक है, समाकलन में केवल क्या बचेगा हमारे पास, dl बचेगा। ओके, अब dl का मतलब क्या है, देखो b इज इक्वल टू म्यू नोट आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यू, समाकलन dl का मतलब है कुंडली की कुल लंबाई, तो कुंडली हमारी a त्रिज्या की है तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों, 2 पाई a, ठीक है, क्योंकि यहां कुंडली की त्रिज्या कितनी है a,
तो ए त्रिज्या वाली कुंडली की कुल लंबाई क्या हो जाएगी? 2 पाई ए। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करें। ओके, तो यहां से आप देख रहे हैं बच्चों बी इज इक्वल टू देखो 2 पाई से ये 2 आ जाएगा यहां पर, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2R³। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2R³। आप देख रहे हैं बच्चों चित्र से, चूंकि R² = R² + λ² यानी R² = आपको दिखाई दे रहा है A² + X², तो यहां से R = क्या हो जाएगा? A² + X² की पावर 1/2। लेकिन हमें तो R³ चाहिए, इसलिए R³ दोनों तरफ क्यूब कर दें, या R की वैल्यू है क्यूब कर दो, तो R³ क्या हो जाएगा? A² + X² की पावर 3/2। तो R³ की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं इसकी, देखो, इसलिए B = μ0IA² / 2A² + X² की पावर 3/2। ठीक है, μ0IA² / 2A² + X² की पावर 3/2। तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या a है और अक्ष पर केंद्र से जो पॉइंट है वो x दूरी पर है, तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है? μ0IA² / 2A² + X² की पावर 3/2। तो बच्चों कई बार क्या होता है, ये तो हमने एक कुंडली एक छल्ला माना है, सपोज करो हमारे पास एक छल्ला है, तो ऐसे कई छल्ले अपन लपेट दे इसलिए, यानी इनको बोलते हैं फेरे। क्या बोलते हैं? फेरे। तो हर फेरे के कारण इतना ही क्षेत्र होगा, कहने का मतलब एक छल्ला फिर दूसरा लपेटा तीसरा लपेटा चौथा लपेटा। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, तो बच्चों हर फेरे के कारण इतना ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो इस समय जो B हम लिखेंगे वो N से गुणा करके लिखेंगे, यानी म्यू नॉट μ0IA² / 2A² + X² की पावर 3/2। ठीक है, ऐसे हम केंद्र वाले भी लिख सकते थे, लिख दो हमें। तो N फेरों वाली कुंडली के कारण, हर फेरे के कारण क्षेत्र होगा μ0IA² / 2A² + X² की पावर 3/2। तो N फेरों के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? टोटल μ0NIA² / 2A² + X² की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। रिजल्ट है हमारे पास μ0NIA² / 2A² + X² की पावर 3/2। N क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या, A कुंडली की त्रिज्या और x अक्ष पर दूरी है। अब कुछ केस लें, देखो कुछ केस लेके चलिए, वी हैव सम स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट देखो बच्चों, यदि बिंदु P जो है, यदि बिंदु P बहुत अधिक दूरी पर हो, यदि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यदि बिंदु P केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x is very very greater than small a हो, तो कुंडली की त्रिज्या के सापेक्ष x बहुत ज्यादा हो, तो क्या होगा? हो
तो आपको पता है बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब मतलब एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो एक्स स्क्वायर तो और भी ज्यादा होगा, ए छोटा है तो छोटे का स्क्वायर और भी छोटा होगा, ठीक है, एक से कम मान है इसका, तो हम एक्स स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, हर में इसको मैं छोटा ऊपर वाले को नहीं, जीरो हो जाएगा, हर में ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो एक्स स्क्वायर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा में बहुत कम छोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो क्या रिलेशन बनेगा हमारे पास फिर, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू, इसको छोड़ना है, ए स्क्वायर को छोड़ दो तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच्चों बी इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³, ठीक है। तो पहला केस हमें ले लिया कि जब पॉइंट हमारा बहुत दूर है तो क्या रिलेशन आता है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या ले रहा हूं कि यदि बिंदु पी कुंडली की त्रिज्या, ठीक है, यदि बिंदु पी कुंडली की त्रिज्या के बराबर दूरी पर स्थित हो, त्रिज्या के बराबर दूरी पर स्थित हो, समझ गए, यदि बिंदु P कुंडली के त्रिज्या यानी स्मॉल a के बराबर दूरी पर स्थित हो, अर्थात x बराबर क्या हो, a हो, तो देखिए सॉल्व करिए इसे, तो B इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो इसमें हम क्या रख देंगे, x बराबर a रख देंगे, तो बच्चों बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए स्क्वायर, अब एक्स की वैल्यू कितनी है, ए, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, उसे सॉल्व कीजिए, तो बच्चों बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² 2a² की पावर 3/2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि b इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर अपॉन, देखो 2, अब ये 2 की पावर 3/2 आएगी, तो 2 की पावर 3/2, समझ गए, अब a स्क्वायर की पावर 3/2 तो क्या बचेगा, a³, तो बच्चों b इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर से क्यू बच जाएगा, एक ए बच जाएगा, और 2³ 3/2 + 1, इसे क्या लिख सकते हैं, देखो म्यू नोट एन आई अपॉन 2, चलो एक स्टेप बढ़ा दू, मैं 2³ 3/2 को मैं लिख सकता हूं 2√2, क्या लिख सकते हैं 2√2 इंटू ए, यानी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन, अब 2 × 2 कितना हो गया, 4√2a, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो अगर बिंदु P कुंडली की त्रिज्या के बराबर दूरी पर स्थित है तो हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो क्या आता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 4√2 × a, ठीक है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 4√2 × a, क्लियर, ओके, केस थर्ड ले रहा हूं मैं,
इज थर्ड, केस सर क्या कह रहा है कि यदि बिंदु P कुंडली के केंद्र पर स्थित हो, हम केंद्र वाला पढ़ चुके हैं, तो देखो वो रिलेशन आता है कि नहीं आता। यदि बिंदु P कुंडली के केंद्र पर स्थित हो, कुंडली के केंद्र पर स्थित हो, अब केंद्र का मतलब क्या होगा, अर्थात कुंडली के केंद्र पर स्थित हो, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, x की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। इसलिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 से, तो x बराबर क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो यहां से बच्चों b इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू ए क्यूब, एक्स तो जीरो हो गया और ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, ए क्यूब। अब देख रहे हैं ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ए के बच जाएगा, तो हमारे पास जो सेंटर पर क्षेत्र आता है कितना आता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू ए, एन या फेरों की संख्या है, एक फेरा होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन टू ए, तो टू ए यहां ए त्रिज्या है, हमने पढ़ा था कि म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, तो वहां आर त्रिज्या थी। धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, आर त्रिज्या वाली कुंडली हो तो म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, एन फेरे हो तो इसको एन से गुणा कर देते हैं। यहां पर हमारे पास वही रिलेशन आ गया जो हमने पढ़ा हुआ है पहले, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू ए, यहां ए क्या है बच्चों, त्रिज्या है, ठीक है, ओके। अब इसमें बच्चों इस वाले एप्लीकेशन में आपसे ग्राफ पूछते हैं, तो ये तो आपने देख ही लिया है कि हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र होता है अक्ष के लिए वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, ये वाली बात हमने करी। तो हमने देखा अब बाकी सब कॉन्स्टेंट है, तो b का किसके साथ ग्राफ बनेगा, x के साथ ग्राफ बनेगा। तो अब देखोगे x का मान बढ़ेगा तो b का मान क्या होगा, घटेगा, x घटेगा तो b क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं अब x का सबसे कम मान क्या हो सकता है, जीरो। x बराबर जीरो पर b जो अक्ष होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि x सबसे कम मान क्या हो सकता है, जीरो। तो सेंटर यानी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उसके बाद सेंटर से आप जैसे ये हमने कुंडली मानी तो यहां तो मैक्सिमम है, अब आप चाहे सेंटर से इस तरफ जाओ चाहे सेंटर से आप इस तरफ जाओ, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। तो अब इसी को हम एक ग्राफ के रूप में शो करें, तो चुंबकीय क्षेत्र B का दूरी के साथ ग्राफ, यानी मैं इसको लिख रहा हूं Bx ग्राफ, वो कैसे बनता है, तो बच्चों इस तरह बनता है। वो ये तो हो गया सेंटर वाला पॉइंट, देखिए ये हो गया सेंटर O, तो यहां तो मैक्सिमम है। उसके बाद जैसे जैसे आप जाओगे x का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, कम होता है, और x इंफिनिटी पर, x अगर इंफिनिटी हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, जीरो। x अगर अनंत हो गया तो b क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर पे मैक्सिमम है, तो जैसे जैसे आप जा रहे हो अनंत की तरफ तो ये मान क्या होगा, घटेगा, यानी ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है। तो ये तो हो गया सेंटर पर, ये हो गया सेंटर यानी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम है, बी क्या है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम भी कितना, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू ए,
ठीक है। अब सेंटर से चाहे आप इस तरफ जाओ चाहे इस तरफ जाओ, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है बच्चों, कम होता है, और अनंत पे जाके ये मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अब अनंत को हम ग्राफ पे शो नहीं कर सकते, तो उस लाइन को टच नहीं करते, तो ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब इस ग्राफ में क्या खास बात है कि चुंबकीय क्षेत्र के दोनों ओर ये दो पॉइंट पी और क्यू वो हमें ऐसे प्राप्त होते हैं, एक तो जिनके मध्य दूरी जो होती है चुंबकीय क्षेत्र ने सेंटर जो हमने बनाया है, देखो ये सेंटर के दोनों तरफ दो पॉइंट पी और क्यू वो ऐसे प्राप्त होते हैं जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का यानी बी का दूरी के साथ परिवर्तन, बी का दूरी एक्स के साथ परिवर्तन वो बच्चों रेखीय होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी का दूरी एक्स के साथ परिवर्तन कैसा होता है, रेखीय होता है, यानी ये रेखा से प्राप्त होती है यहां पर दोनों जगह। तो देखा जाता है कि इन दोनों पॉइंटों के मध्य दूरी, ठीक है, दोनों पॉइंटों के मध्य दूरी यानी पी क्यू के मध्य दूरी कुंडली की त्रिज्या के बराबर होती है। ये दोनों जो पॉइंट है पी और क्यू इनको बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इनको, नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बोलते हैं इन्हें, क्योंकि इसके बाद वक्र की वक्रता में परिवर्तन होता है। नति का मतलब होता है वक्रता, तो इसके बाद फिर वक्रीय हो जाता है। तो कुंडली केंद्र के दोनों ओर, कुंडली के केंद्र के दोनों ओर दो पॉइंट ऐसे मिलते हैं जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन कैसा होता है, रेखीय होता है। ठीक है, यानी कॉन्स्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नति परिवर्तन बिंदुओं पर, नति परिवर्तन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन रेखीय यानी नियत है, यानी db अपॉन dx क्या होता है बच्चों, नियत होता है, ये ध्यान रखें आप। b का x के साथ जो परिवर्तन वो नियत है, इसका मतलब इसका आप एक बार और अवकलन कर दोगे यानी d2b अपॉन dx स्क्वायर, तो वो क्या मिलता है, जीरो। तो P और Q को बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु, केंद्र के दोनों ओर ऐसे पॉइंट जहां पर चुंबकीय क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन रेखीय होता है तथा इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी कुंडली की त्रिज्या के बराबर होती है। तो ये जो दूरी है वो किसके बराबर है, कुंडली की त्रिज्या के बराबर है, यानी जीरो। तो ये ए बाई टू जीरो हो जाएगा और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई टू जीरो, यानी ए बाई टू इधर, ए बाई टू इधर। तो बच्चों इन पॉइंट्स को बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन रेखीय यानी नियत, तो उसका डबल डेरिवेटिव एक बार और अवकलन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ठीक है, तो ये था हमारा धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, इसकी वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।